आज अमृतसर में दल खालसा की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने नवंबर 1984 में मारे गए लोगों की याद में श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिसाल मार्च निकालने का फैसला किया। वहीं दल खालसा के स्पोक्स पर्सन कंवरपाल सिंह बिट्टू ने बताया कि 34 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। अब तो उन्होंने इंसाफ के ऊपर से उम्मीद ही खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग एक मार्च निकाल रहे हैं जो कि अमृतसर के अलग अलग जगह पर से निकलेगा, और इसका मुख्य मकसद यही है कि जो नवंबर 1984 के कातिल हैं या दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नवंबर 3 को 34वें वरेगंड मौके असी दल खालसा वालों एक मार्च कढ़ रहे हैं। ये मार्च हक इंसाफ और आजादी का जो जज्बा है उसकी लोह को मगदा रखने लिए कढ़ रहे हैं, ताकि कौम के अंदर आज़ादी की जड़ी लोह है, जो जज्बा है, वो चिनक जगती रहे। ये मार्च उन्हां व्यक्तियों श्रद्धांजलि भी होगा, जेडे व्यक्ति नसलकुशी की राजनीति के शिकार होए, जेडे दिल्ली दे विच निहत्थे मारे गए। उस वेले का जो प्रधानमंत्री सी राजीव गांधी, उसकी कैबिनेट और दिल्ली का प्रशासन, इसकी पुष्ट पनाई हेठ फिरकू गुंडिया ने 34 वरे पहला